हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक DIY हेयर क्लिप्स। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने पिंटरेस्ट पे एक हेयर क्लिप देखा था, मुझे वो बहुत ही पसंद आया, तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए बना लूँ और साथ के साथ आप लोगों को भी सिखा दूँ। एक्चुअली मेरे पास में कुछ ये फैदर्स पड़े हुए थे, पिकॉक फैदर, तो ये उसी से बना हुआ था। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि पिकॉक फैदर का यूज़ करके आप कैसे एक सुंदर सा DIY हेयर क्लिप बना सकते हैं अपने लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिप बनाना। देखिए, सबसे पहले मैंने एक फेल्ट शीट ली है, इसको मैंने सर्कल में कट कर दिया है। अब हम ये फैदर लेंगे। आप चाहें तो मार्केट से छोटे वाले फैदर्स भी ले सकते हैं। मैं इसको एक्स्ट्रा कट कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। ये मार्केट में छोटे वाले भी अवेलेबल हो जाते हैं, आप चाहें तो छोटे वाले भी परचेस कर सकते हैं। मेरे पास में ये बड़े वाले थे इसलिए मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। इन्हें कट करने के बाद में हम इस फेल्ट शीट पर इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे पेस्ट कर देंगे। आप पेस्ट करने के लिए फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फेविकोल से भी आसानी से इस पर पेस्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ फेदर्स के जो साइड की जो छोटी छोटी लीव्स टाइप्स जो होते हैं इसके, वो ले रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुक देने के लिए। आप भी चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें बीच में इसको रख के थोड़ा सा लुक दे सकते हैं। तो आप जितने चाहें उतने ले सकते हैं और इन्हें भी अच्छे से पेस्ट करके लगा दीजिए बीच में। तो ये हमारा फेदर पेस्ट हो गया है, हमने इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग तरह के स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसे सिंपल ही रखना है इसलिए मैं इसमें ब्लैक कलर का हाफ पर्ल लगा रही हूँ। आप चाहें तो जो भी आपको मिरर लगाना है या कोई भी और स्टोन लगाना है वो लगा सकते हैं। इसे अच्छे से ग्लू गन से या फिर फेविकोल से भी पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने इस पर लगा लिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप चाहें तो साइड में और भी डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, या बीच में आप चाहें तो कोई स्टोन्स या चेन लगा सकते हैं, और अगर आप सिंपल रखना चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब हम लगाएंगे इसमें एलिगेटर पिन। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप टिकटेक का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसे पीछे की तरफ लगा लेंगे, ये इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अब मैं एक फेल्ट शीट का और टुकड़ा लेकर इसे सिक्योर कर दूंगी ताकि ये पिन निकले नहीं। तो देखिए, ये हमारी क्लिप रेडी हो गई है, कितनी प्रीटी लग रही है ना। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहें तो बीच में और भी पिकॉक के फेदर छोटी साइज के लगा सकते हैं। हमारी क्लिप रेडी है।